तो टेंथ के लिए ये दूसरा वीडियो है चैप्टर नंबर एट में दिस वीडियो इज़ अगेन इंट्रोडक्शन टू तो ट्रिग्नोमेट्री कल जो हमने स्टार्ट किया इंट्रोडक्शन टू तो ट्रिग्नोमेट्री एक वीडियो मैंने इस इंट्रोडक्शन का आपको भेजा है अपलोड भी किया है यूट्यूब पर तो आज ये इसका दूसरा वीडियो है जिसमें हम ये आज पता करेंगे कि जो कल मैंने आपको ये टॉपिक बताया था कि आज हम लिख लिखने वाले हैं रिकॉग्निशन ऑफ साइड्स ऑफ अ राइट ट्रेंगल साइड्स ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्रैंगल राइट right ट्रेंगल के तीन साइड्स की रिकॉग्निशन क्या होती है कि अगर हमें एक राइट right ट्रेंगल दिया हुआ है इसमें आप कैसे यहां पर एंगल थीटा मेंशन है और आप इन ये 90 डिग्री एंगल है इन तीनों साइड्स की रिकॉग्निशन क्या लेंगे नाम कैसे आप कहेंगे इन तीनों साइड्स का जैसे कि राइट एंगल का सबसे बड़ा साइड है वो है हाई तो हाई की रिकॉग्निशन है साइड अपोजिट टू तो 90 डिग्री एंगल 90 डिग्री एंगल का अपोजिट साइड हाई होता है इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट साइड इसमें है दैट इज परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर इज द साइड अपोजिट एंगल थीटा एंगल थीटा कल ही मैंने आपको कहा कि अगर इस राइट right एंगल 90 डिग्री के बराबर है बाकी रहे ये दो angles, ये दो एंगल्स, दोनों एक्यूट एंगल्स होंगे जो इन दो में से कोई एक एंगल आपको मेंशन होगा चाहे ये एंगल या ये एंगल दो में से कोई भी एक एंगल होगा उस एंगल का अपोजिट साइड मतलब वो साइड जो इस एंगल की आर्म नहीं है देखो इस ट्रैंगल के तीन साइड से, एंगल थीटा की दो आर्म्स है ये साइड और ये साइड अब रहा ये तीसरा साइड ये इस एंगल की आर्म नहीं है तो इसका मतलब है ये हो गया एंगल का अपोजिट साइड तो ये बन जाएगा परपेंडिकुलर। अब अगर ये थीटा यहां पर दिया होगा थीटा इफ विल बी हियर तो हम देखेंगे इस एंगल थीटा की दो आमज को दिस साइड इज द आर्म ऑफ एंगल एंड दिस साइड इज ऑल्सो द आर्म ऑफ एंगल अब बचे ये तीसरा साइड जो इस एंगल की आम नहीं है एंड दिस साइड विल बी कंसीडर्ड एज द अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा तो दूसरा तीसरा साइड इसका है दैट इज कॉल्ड बेस और इस ट्रेंगल में बेस किस साइड को हम कहेंगे इट इज एडजस्ट साइड टू एंगल थीटा एडजस्टेंट एडजस्टेंट लिखा मैंने लेकिन प्रोनाउंस करना है इसको एज एडजेंट साइड ऑफ एंगल थीटा एंगल थीडो बेटा थीटा है एंड दिस साइड इज इट इज एडजस्टेंट साइड दिस विल बी देश दिस इज थी एंड दिस साइड इज द एडजस्टेंट साइड दिस इज देश अबराज सवाल यह साइड भी एडजस्टेंट साइड है बट This side is already having its own name that is called hypotenuse. This is the recognition of, side of the sides of a right triangle. अब आपको एक मैथमेटिकल ट्रिक के तौर पर रैशोज की पहचान कैसे हम रैशो को कैसे हम याद लर्न करके रखेंगे तो उसके लिए आ, यहां पर हमारे एनसिस्टर्स ने एक स्टेटमेंट बताया है जो हमें इजी होता है ये ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेसोज को याद कराने के लिए स्टेटमेंट में लिखूंगा यहां पर स्टेटमेंट फॉर टी रैशोज टी रैशोज के लिए कौन सा स्टेटमेंट हम अक्सर यूज करते हैं वो है सम पीपल हैव ली ब्राउन हेयर ब्राउन हेयर टू तो प्रेजेंट ब्यूटी सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टू तो प्रेजेंट ब्यूटी ये स्टेटमेंट जनरल लोग याद करते रहते हैं सम पीपुल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी अगर आप इस स्टेटमेंट को गौर से देखेंगे कितने वर्ड्स है टोटल इस स्टेटमेंट में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन दीज आर नाइन वर्ड्स इन नाइन वर्ड्स को कॉलम के तौर पर लिखना है तीन तीन वर्ड्स का एक कॉलम बनाना है तो तीन कॉलम बनेंगे हर एक वर्ड का पहला लेटर मेंशन करना है जैसे सम पीपल हैव ये पहले तीन वर्ड्स हैं सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर पहला पहला लेटर कर्ली ब्राउन हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी टू प्रेजेंट ब्यूटी इजी है ये पहला लेटर जो टॉप पर है ये टी रेशो का नाम है नेम्स ऑफ टी रैशो नेम्स ऑफ टी रेशोज यानी साइन कॉस टैन और ये इनके वैल्यूज हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाईपोर्टिन्यूस बेस अपॉन हाईपोर्टिन्यूस परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये हो गए वैल्यूज कि किसके बराबर होता है अब स्टार्ट में कल के वीडियो में मैंने कहा ट्रेग्नोमेट्रिक के टोटल सिक्स रेशोज हैं। ये आ गए सिर्फ तीन तीन रेशो इनके नीचे लिखेंगे इस ऑर्डर में वापस जाना है साइन कॉस टेन यहां पर देंगे आप कॉट यहां पर देंगे आप सेक और यहां पर देंगे आप क्वेक अगर आपने कहना है साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हाईपोर्टिन्यूस इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड सेक इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस टेन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस एंड कॉट इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर ये शॉर्टली हमेशा लिखा जाता है ताकि हमें इजी लगता है क्वेश्चन को सॉल्व करना दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्रिग्नोमैट्री लेट एस स्टार्ट टूडे एक्सरसाइज द फर्स्ट एक्सरसाइज दैट इज एट पॉइंट वन मैं दिखाता हूं आपको ये ट्रिग्नोमैट्री किस तरह हम राइट एंगल में यूज करते हैं अप्लाई करते हैं क्वेश्चन नंबर वन ऑफ एक्सरसाइज एट पॉइंट वन इज आप लेकिन शर्त है अपनी बुक आप इस वक्त सामने रखेंगे तब जाके मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और आपको ये सारे क्वेश्चन याद रहेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी सबसे पहले एक ट्राइंगल है इस ट्राइंगल का नाम ए बी सी है बट इट इज राइट एंगल एट बी जहां पर आपने 90 डिग्री एंगल बनाए पहले वहां पर बी रखी नाउ इट इज एंड इट इज सी देन ए बी इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर बी सी इज इक्वल टू सेवन सेंटीमीटर बस अब हमें डिटरमाइन करना है साइन ए कॉस सी साइन सी कॉस ए तो इसका मतलब है हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को डिटरमाइन करना है आपने इसमें एक पॉइंट याद रखना है यू कैन डिटरमाइन एनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो इफ एंड ओनली इफ यू नो ऑल द थ्री साइड ऑफ अ राइट एंगल यहां पर इस राइट right एंगल में सिर्फ दो साइड का वैल्यू दिया है तीसरा साइड तो अननोन है हाउ टू फाइंड थर्ड साइड वी नो इट इज पाइथागोरस थारम विच इज यूज टू गेट द थर्ड साइड ऑफ द राइट ट्रेंगल तो इसके सोल्यूशन में जब आपने फिगर बनाई तो आप आगे सोल्यूशन इस तरह स्टार्ट करेंगे इन राइट एंगल्ड ट्रेंगल ए बी सी बाय पी टी पाइथागोरस थारम दैट इज ए सी हमें फाइंड करना है ए सी इज इक्वल टू पाइथगोल थार्म के लिए आप तो अब माशाला टेंथ में आ गए आपको तो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है हाईपाटन स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस अल्टीच्यूड स्क्वायर नो द साइड विच यू हैव टू फाइंड यू विल राइट द नेम ऑफ दैट साइड हेयर वी हैव टू फाइंड ए सी तो मैंने ए सी लिखा दिस ए सी इज इक्वल टू अंडर उप चूंकि यह हाइपोटन्यूस है हाइपोटन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सम ऑफ अदर टू साइड इट इज ट्वेंटी फोर प्लस सेवन स्क्वायर ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ट्वेंटी फोर स्क्र 576, फाइव सेवन सिक्स सेवन व्हिच फोर्टी नाइन विच इज अंडर रूट ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ it is 625 that is equal to 25 25 is the फाइव of फाइव इज द लेंग ऑफ ए सी नाउ ठीक तो अब आ गए तीनों साइड आपको अब हमें डिटरमाइन क्या करना है नाउ वॉट वी हैव टू डिटरमाइन इन फर्स्ट पार्ट साइन ए यहां से आपका काम शुरू होता है साइन वैल्यू आपको अब भी पता क्या तु हरको लीखित सज पर्पेंडिक्यूलर अपान हाई पार्टिन एंड आई विल यूज दैट परपेंडिकुलर अपान हाई नाउ हियर यू हैव टू रिकॉग्नाइज परपेंडिकुलर इफ इट इज साइन ए इसका मतलब है एंगल मेंशन हुआ है ए पर तो अपोजिट सइडम गई अमच आर्म जम इन नपोजिट काइड या नमि आर्म आ सौन डिक्यूलर हाईपोर्टिन्यूस ट्वेंटी फाइव है तो ये आ गया सेवन अपॉन ट्वेंटी फाइव दिस इज सेवन अपॉन ट्वेंटी फाइव साइन ए का वैल्यू अब यहां पर हमें आगे अगला रेशो है कॉस सी कॉस ऊपर बना है बेस अपॉन हाईपोर्टिन्यूस बेस अपॉन हाईपोर्टिन्यूस नाउ यू हैव टू रिकॉग्नाइज द बेस एट एंगल सी दिस इज एंगल सी इट इज बेस इज द एडज साइड सो गो सेवन एंड हाइपोटनस इज़ ट्वेंटी फाइव दैट इज़ सेवन अपन ट्वेंटी फाइव इन द सेकेंड पार्ट यू हैव टू डिटरमाइन साइन सी अब सी एंगल है इसका साइन देखना है आपको पता है साइन इज बेसिकली परपेंडिकुलर अपान हाई परपेंडिकुलर सी के लिए एंगल छूसी ज आर्म छाइड यहाँ आर्म गो परपेंडिकुलर दैट मींस 24 फोर इज 25 इट इज 24 अपॉन अपान फिर आपको डिटरमाइन करना है कॉस ए बेटा कॉस इज बेस अपान हाइपोटेन्यूस तो ए के लिए बेस जानेंगे दिस इज एंगल एंड बेस इज इट इज एडजस्टन साइड दैट इज व्हिच इज 24 एंड हाइपोटेन्यूस इज 24 upon 25. This is the determination of the T ratios. I hope you might have got it, and we will solve other questions in the next video. Thank you very much.